उल्टी राय का फल बुरा होता है। किसी आदमी ने एक गधा और एक बकरा पाल रखा था। गधे पर भोज ढोता था, इसलिए उसे घास, दाना, पानी आदि देने का विशेष ध्यान रखता था। पर गधे पर मालिक की विशेष कृपा देखकर बकरा मन ही मन जलता भुनता रहता था और सोचने लगता था कि गधे को मालिक की नजरों से गिराने के लिए क्या करना चाहिए। सोच विचार करते करते बकरे को समझ में एक उपाय आया। उसने एक दिन गधे से कहा, भाई, मालिक ने मुझे तो खुला छोड़ रखा है। मैं जहां चाहता हूं वहां जाता हूं और मनमानी उछल कूद मचाता हूं, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि वह तुम्हारे साथ क्यों इतना बुरा व्यवहार करता है। रोज तुम्हारी पीठ पर बोझ लाद देता है, फिर तुम्हें न जाने कहां कहां घसीटता है। इस पर गधा बोला, मालिक का यह व्यवहार मुझे भी बहुत अखरता है, परंतु उससे बचने का उपाय क्या है। बकरे ने कहा, उपाय? अरे उपाय तो बहुत सरल है। एक दिन बीमारी का बहाना बनाओ, किसी गड्ढे में गिर पड़ो और फिर मजे से कुछ दिन तक आराम करो और बैठे बैठे खाओ पियो। गधा सीधा साधा तो था ही, वह बकरे की बातों में आ गया और उस दिन जानबूझकर गड्ढे में आ गिरा। परिणाम स्वरूप इतना घायल हो गया कि कुछ दिन तक चलने फिरने के लायक भी ना रहा। आखिर मालिक ने पशुओं के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गधे को देखा और फिर उसके मालिक से कहा कि कुछ दिन तक इसे आराम से पड़े रहने दो और घावों पर बकरे की चर्बी की मालिश करो, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अब क्या था, मालिक ने बकरे को काटने के लिए छुरी उठाई तो वह देखते ही बकरे ने रोते रोते कहा कि हाय हाय, मेरी बुद्धि को आग लगी थी। मैंने गधे के लिए फरेब से काम लिया, पर मैं स्वयं ही इस चक्कर में फंस गया।